अच्छा चलो, कल का अपना डिस्कशन चालू हुआ था प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू बराबर है। कल जो अपना डिस्कशन चालू हुआ था वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पे हुआ था। इसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू है ना, और फ्यूचर वैल्यू मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर का वैल्यू, कल का वैल्यू है ना। क्या आप आगे जिंदगी में कभी फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और एन्यूटी के अंदर कंफ्यूज होंगे? नहीं। एन्यूटी मतलब क्या है? एन्यूटी का भी अपने को प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों निकालना पड़ता, बट नॉर्मल जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको आज करवाऊंगा, उसके अंदर आपको बेसिकली प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट पूछा है। मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू दिया है और फ्यूचर वैल्यू पूछा है। अरे अमाउंट क्या है? 3 साल बाद 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में वही है ना। तो 3 साल बाद 5 साल बाद जो पैसा मिलने वाला है, उस 5 साल बाद मिलने वाला है, मतलब वो फ्यूचर वैल्यू है। और जो आज की उसकी वैल्यू है वो क्या हो गया? उसका प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल हो गया आना। ठीक है, फिर अपन ने अपना चालू करा था डिस्कशन एन्यूटी के ऊपर। एन्यूटी में मैंने आपको बोला था कि भैया ये 1 लाख रुपए की बात करे थे अपन ने, 3% 10% का रेट है और 3 साल के लिए बात करे थे। पहले साल में 10,000 डाले, दूसरे साल में भी 10,000 डाले, तीसरे साल में भी 10,000। तो ये हो गई एन्यूटी। ये क्या हो गई? एन्यूटी। ठीक है, एन्यूटी मतलब क्या होता है? इक्वल पेमेंट और इक्वल टाइम इंटरवल। आया ना बोलो? इक्वल पेमेंट और इक्वल टाइम इंटरवल, ये दो चीजें एन्यूटी को डिफाइन करता है। किसी को इसमें आपत्ति है? ठीक है, क्या कह रहे बच्चे? गुड आफ्टरनून सर। एक बोल रहा है मुंबई में कहा, आप मुंबई से हो? मुंबई में कहा, पुणे। अच्छा, अलग ही मुट्टे। आजकल लड़कों को बेवकूफ बनाने के बहुत आसान तरीका है। मैं अपना नाम बदल के लड़की का नाम रख दूंगा तो लड़के इतने बातें करने लग जाएंगे कि अलग। अबे तुम्हारा कोई धर्म ईमान है कि नहीं है? वहां जाकिर खान सख्त सख्त बना रहा है तुमको और तुम ऐसे चिंदी बने करते हो। तुम मतलब तुम नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी पिगल जाता। हाँ, वो भी पिघल जाता ना, पर वो देख के पिघलता है, तुम नाम देख के पिघलते हो। ठीक है, तुम्हारा लोहा बहुत कमजोर हो गया है। ठीक है, चलो आ जाओ अब ये क्वेश्चन देखो। हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन देखो, लोहा बोले तो मैं मैथ्स की डाउट सॉल्व करता हूं। बात ना करूं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 100 करो एक बार। रिया लड़की नहीं, नहीं मैं रिया के बारे में नहीं कह रहा था, मैं नॉर्मल जनरल बात बता रहा था। 100 सॉल्व करो भैया, भाई का मोए मोए कर दिए बोलता। ये क्वेश्चन देखो एक बार, सॉल्व नहीं होगा अभी आपसे, अभी आपसे सॉल्व नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5,000 पर एनम फॉर 12 ईयर्स एट 4% इज, मतलब क्या कह रहे हैं कि भैया मैं एन्यूटी डाल रहा हूं हर साल 5,000। हाँ या ना? तो आपको पांच कितने साल के लिए डाल रहे हो? 12 साल के लिए। इधर 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 मेरी तरफ देखो, नहीं बनेगा क्वेश्चन, तुमको फॉर्मूला ही नहीं बताया मैंने। ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये बताइए। हर साल में देखो, मैंने आपको एक केस वैसे बताई थी, कौन सी? 10,000 10,000 10,000 10,000
10,000 ऐसे में डाल रहा हूँ 5 साल बराबर की नहीं। और मैंने आपको बोला था 5 साल बाद इसका वैल्यू कितना आएगा, तो मैंने आपको बेसिकली क्या पूछा था, उसका फ्यूचर वैल्यू पूछा था, यानी जो अपन ने निकाला था कुछ 61,009 कुछ जो भी था वो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको, सुनो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप 5,000 रुपए डाल रहे हो 12 साल तक, ऐसे 12 साल तक डाल, ठीक है, इसकी आज की वैल्यू बताओ, प्रेजेंट वैल्यू। ये जो आपने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी इसको बोलते हैं आपने क्या करा था बताया, आपने करा था कंपाउंडिंग, आपने क्या करा था कंपाउंडिंग करा। अब जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिस्काउंट, ठीक है। मैं बहुत आराम आराम से ले रहा हूं चीजें, कोई घाई नहीं है, एक लेक्चर ज्यादा लगेगा चलेगा, दिमाग के अंदर पूरा फिट होना चाहिए। रिकॉर्डेड वाले बच्चे को लग रहा है मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो भैया आप 1.25x पे करके देख सकते हो, उससे ज्यादा देखना मत, बहुत आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो सिंपल सी बात है सर, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी की भी होती है, प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मल केस में भी होती है। अगर नॉर्मल केस में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है तो अपन नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, है ना। जो प्रिंसिपल है उसको क्या बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और जो अमाउंट मिलने वाला है अपने को 10 साल 5 साल 6 साल बाद वो क्या है फ्यूचर वैल्यू है, बराबर कि नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी आप कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपसे बन जाएगा 99 नंबर का क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सर की न्यू वॉच मैम की वॉच कहाँ गई, बढ़िया मैम की वॉच, मैम दूसरी वॉच दे दी है तो पुरानी वॉच रख दी भैया। बताओ अच्छा कल का जो मैंने कौन से पढ़ाया था वो दिमाग में है ना, पहले साल जो अपन पैसा इन्वेस्ट करे उस पे 5 साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल जो करे उस पे 4 साल का, बराबर आंसर भी आएगा इसका, ठीक है। 99 का आंसर क्या आएगा बताइए, कुछ लोग कह रहे बी आएगा, क्या आएगा बी आएगा, आप भी कह रहे हो बी आएगा, मैं बात कर रहा हूं 99 की, 100 का अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया। क्या आएगा जो दिमाग नहीं लगाएगा उसके दिमाग में आएगा भी नहीं, अपन अगले 3 दिन प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में खेलते रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन 2-3 बार कॉन्सेप्ट रिवाइज, जरूरी है रिक्वायर्ड है उतना, उससे कम करेंगे तो मतलब फिर वो मजा नहीं आएगी जिंदगी। देखो भाई पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, प्रिंसिपल ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। देखो अभी ध्यान से देखो, मैं इसके दोनों कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसके पहले अपन ने क्या करा है ये देख लो पहले, इसके पहले हमने कल क्या कर रखा है, हो गया आपका हो जाने दीजिए फिर मैं बोलता हूं, जिनका आ गया वो ठीक है नहीं आया मेरी बात, इसके पहले हमने क्या निकाला कि भैया 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 और ये पूरे पैसे में डाल रहा हूं 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल जितना भी टाइम है उतना, और उसका जब वो टाइम खत्म हो गया आज से लेके 20 साल तक मैं 10,000 रुपए डाल रहा हूं, तो 20 साल बाद ये 10,000 रुपए इकट्ठा कितना मिलेगा मेरे को
वो हो गया फ्यूचर वैल्यू, बराबर की नहीं हा ना। दूसरा केस क्या होता है, एक फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी का, दूसरा क्या रहेगा प्रेजेंट वैल्यू है ना। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या है, आज कितना वैल्यू है उस पैसे का जो मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है, वो हो गया प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जो 99 क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, एक रुपया जो मेरे को आज से दो साल बाद मिलने वाला है, एक रुपया जो मेरे को आज से दो साल बाद मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन रुपीज टू बी रिसीव्ड आफ्टर टू इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब आर दे रखा है 10%। ठीक है बताइए, कब मिलने वाला है ये एक रुपया, अरे बोलो यार। तो ये आज हो गया, आज से दो साल बाद कितना मिलने वाला है रुपीज वन, तो आज का वैल्यू बताना है आपको, आज का वैल्यू कितना रहेगा। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला दिमाग लगाओ तो आज जो पैसा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, ये क्या हो गया अपना अमाउंट आ गया कि नहीं है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर की पावर टी, देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन वन प्लस आर का पावर टी, ये सुनो आए ना। वन रुपीज का अमाउंट है, वन प्लस आर कितना है 10% का पावर कितना टू, ये सुनो बोलो, वन प्लस 10% इंटू इक्वल्स टू 1.21 हो रहा है क्या, एक अपॉन 1.21 0.8264 पक्का है, पक्का है क्या, ठीक है चलो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आज शानदार वाला। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका ही उल्टा, मैंने आपको कल कंपाउंडिंग पढ़ाया था, आज मैं आपको डिस्काउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, और ये दोनों पढ़ाने के बाद मैं आपको चार फॉर्मूले रटवाऊंगा, और उसके बाद ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले बताने के बाद वो जो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएंगी ना मज्जा आ गया सर, फिर पहली बार उतनी क्लैरिटी लाते, पहली बार नहीं आती वो दिक्कत है। अरे पहली बार कोई भी चीज आप पहली बार करोगे एकदम से दिमाग में घुस जाएंगी क्या, नहीं आती है। पहली बार आपको भी आई थी जिंदगी में, पहली बार कटाई है ना, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर 8264 आएगा। अब ये तो अपन ने जो तरीका करा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट मान के, ये गरीबों वाला तरीका है भाई, गरीब लोग करते हैं, अपन ऐसा नहीं करते। अब मेरे को एक बात बोलो, मेरे को आज से एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद, चार साल बाद, पांच साल बाद मेरे पप्पा एक एक रुपया देने वाले, कितना, एक दो तीन चार पांच, हर साल मेरे पप्पा मेरे को एक एक रुपया देते हैं, मेरे पास आज कितने पैसे है, पांच रुपए सर, जो आपको ओवर पांच साल मिलने वाले, नहीं तो पांच रुपए की आज की वैल्यू पांच रुपए क्या, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होती है तो आज की वैल्यू कम होंगी, हाँ कि ना। तो मैं आज पापा के पास गया, मन रहा पापा तुम मेरे को ओवर दे पांच साल देने वाले हो ना एक एक रुपया, हाँ दे दो प्लीज पांच रुपए मैं चॉकलेट खाता, फट के मारा नालायक, समझता नहीं है धंधा। अरे आज से पांच साल बाद जो मेरे को एक रुपया मिलने वाला है क्या उसकी आज की वैल्यू भी एक रुपया है, बताइए। मेरी तो कट गई ठीक है चल आ जा, ठीक है एक बार बताओ मेरे को वापस, आज से पांच साल बाद जो मेरे को एक रुपया मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू एक रुपया है क्या, है क्या। मैं उल्टा लेके जा रहा हूं अभी आपको, थोड़ा सा जो आज पैसा डाल रहे हो पांच साल बाद जो पैसा मिलने वाला है वो सेम रहता है क्या, क्यों पांच साल उसमें इंटरेस्ट मिलता है, हाँ कि ना। तो मेरे को ये बताइए, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि ये जो पांच साल बाद मेरे को एक रुपया मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू एक रुपया ही होगा क्या, क्यों सर आज का वैल्यू बहुत कम होगा उसका, आज पूरा एक रुपया डालने की जरूरत ही नहीं है, आज आप समझ लो 52 पैसे डाल दो, कितना 52 पैसा 0.52 पैसे, उसमें पांच बार 10-10% का इंटरेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो क्या। मैं बता दो ग्रुप एक मिनट,
अपना दिमाग प्लीज ना लगाए, अभी कम है आपके पास। हाँ मैं बता रहा हूं, एक काम करो, आज आप डाल दो 0.6209 पैसा। आज कितना डालना पड़ेगा आपको? 0.6209 पैसा। वो 5 साल बाद 1 रुपया बनेगा। रेट 10%, टाइम 5 साल, करके देखो 0.6209 आज डाला मैंने, तो 5 साल उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 10% प्लस 10% 5 बार करो, एक दो तीन चार पांच आ गया 0.9999। मतलब आज अगर मैं 0.62 रुपए डालू, 62 पैसे डालू, तो 5 साल बाद वो 1 रुपया बन जाएगा। कैसे? इंटरेस्ट ऐड हो के आना। तो क्या मैं कह दूं ये 1 रुपए की आज की वैल्यू कितनी है? 0.6209 है ना। बस शुरू करते हैं। अभी क्या करने वाले? अपन डिस्काउंटिंग करने वाले। अपन क्या करने वाले? डिस्काउंटिंग करने वाले। डिस्काउंटिंग, ठीक है, फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू अपन ने ढूंढ लिया, ठीक है। देखो, अच्छा आज 1 साल बाद जो मेरे को 1 रुपया मिलने वाला है, ठीक है, 1 साल बाद जो मेरे को 1 रुपया मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है? कितनी है बोलो? अभी आपने निकाला ना, 2 साल बाद जो 1 रुपया मिलने वाला है, ये 2 साल बाद इसकी 0.8264 आई थी ना। तो निकालो ना इंडिविजुअली। अरे तुमको निकालते नहीं आती क्या? 1 साल बाद 1 रुपया मिलने वाला है, आज कितनी वैल्यू होगी? प्रिंसिपल निकालो, ये अमाउंट है 1 रुपया, आज का प्रिंसिपल निकालो, तुमको निकालते आती है? झंडू मामो एक मिनट सुनो, ये कौन सी वैल्यू है? आज की वैल्यू है, ये आज की वैल्यू है क्या? अबे यार 1 साल बाद मिलने वाला है ये 1 रुपया, उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। ये 1 रुपया जो है ये कौन सी वैल्यू है भाई? फ्यूचर वैल्यू, हा कि ना? अभी सुनो, तुम रटो, मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बताया, तुम छोड़ दो, ठीक है। देखो, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ज्यादा रहता है, छोड़ दो, हाँ हाँ मत बोलो, चुप सुनो, ठीक है। 1+r⁻⁷, इसमें पूरा खेल है, खेल का है 1+r⁻⁷ का, ठीक है। मैं लिटरली रटवा रहा हूं, क्योंकि मैंने कल तुमको बहुत समझाया कि भाई ये 1 रुपया 1 साल बाद मिलने वाला है, तो ये अपना अमाउंट हो गया, अपने को प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने कैसे समझाया था आपको? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r⁻⁷। ये 1 रुपया 1 साल बाद मिलने वाला है, तो अपना ये अमाउंट हो गया, आज का जो रहता है वो प्रिंसिपल होता है, तो अपने को प्रिंसिपल निकालना है, तो वो हो जाएगा a/(1+r⁻⁷), ठीक है। 1/(1+10%) ये कब मिलने वाला है? 1 साल बाद, तो उसका पावर 1, ठीक है। 1/(1.1), तो ये आ जाए 0.9090, ठीक है, ये 0.9090, ये आपने 8264 निकाला था ना, सेम प्रिंसिपल पे निकाला था, मैंने आपको समझाया भी। 2 साल बाद का निकाले, 1 साल बाद का भी निकाल सकते हो, 3 साल बाद का भी निकाल सकते हो, पर नहीं, तुमको समझना नहीं है, तुम रटो, मैं बता रहा हूं कैसे रटते। जिसको समझना था वो बच्चे ने निकाल दिया, आंसर दे दिया। अब जो झंडू माम है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब होता है बेटा आज का वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मतलब होता है फ्यूचर का वैल्यू। एक तो प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा, फ्यूचर वैल्यू पूछा रहेगा, फ्यूचर वैल्यू दिया रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू पूछा रहेगा, डन है, ठीक है। अगर अच्छा ज्यादा क्या रहता है, प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू? ज्यादा क्या रहता है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू? क्यों?
अरे भाई तुमने चिल्ला के बोलना चाहिए अभी तक, क्यों ज्यादा रहता है फ्यूचर वैल्यू? अरे सर आज आप कोई भी पैसा डालो उसमें इंटरेस्ट तो मिलेगा कुछ ना कुछ, तो फ्यूचर का पैसा ज्यादा होगा, ठीक है? और किसी भी चीज को ज्यादा करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते कि डिवाइड करते? पक्का अगर कोई चीज बड़ी है तो मल्टीप्लाई करते ना, और किसी चीज को कम करना है तो क्या करते? डिवाइड। बढ़िया, शाबाश। ऐसे ये इच्छा है तुमको, ऐसी टीचर होना, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा रहता कि कम रहता? कम रहता, हाँ कि ना? प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आएगा फ्यूचर वैल्यू, कम रहता ना तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर टी, ठीक है? फ्यूचर वैल्यू निकालना है, जो निकालना है उसके अलावा दूसरी चीज, दो चीजें हैं, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है? आपको पहली चीज निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, तो इधर राइट हैंड साइड में दूसरी चीज फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू, है ना? पक्का है, क्लियर है? अब फ्यूचर वैल्यू ज्यादा रहती कि प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा रहती? मतलब ये वैल्यू ज्यादा रहने वाली है तो उसके लिए अपने को प्रेजेंट वैल्यू क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कैसे? 1 प्लस आर की पावर टी। तो मैंने जो आपको बोला था ना कि गेम पूरा इसका है, ये 1 प्लस आर की पावर टी का, मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो? फैक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये 1 प्लस आर का पावर टी। इससे आपको एक तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या क्या रटवाया, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू कम रहती क्योंकि फ्यूचर वैल्यू ज्यादा रहती, ठीक है? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 प्लस आर की पावर टी से, क्योंकि डिवाइड 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम होंगी, हाँ कि ना? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस आर की पावर टी से, क्यों? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू ज्यादा रहती है, ठीक है? समझा तो ठीक है, इसके अलावा मैं नहीं समझा सकता, मेरे को माफ कर देना, तुम पैसे वापस चले लिया। बोली मेरे को रिफंड चाहिए। नहीं भाई, ये ऐसे लोग रटवाते हैं, भगवान माफ करो, समझ नहीं आता मेरे को, ऐसे लिटरली रटवाया जाता है लोग, देश इनटू देश इनटू देश लोग। और ये फॉर्मूला मैंने कल ही साबित करा था, क्या है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है भाई ये। मैंने ये फॉर्मूले से नहीं करा, मैंने करा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, ये निकाला जो, ठीक है? ये निकाले अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करे ना, ये अमाउंट इज इक्वल टू पी इनटू 1 प्लस आर की पावर टी, हाँ या ना? अब देखो अपन रट्टे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अभी रट्टा मारे हुए, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी, फ्यूचर वैल्यू कितनी है? एक रुपया अपॉन 1 प्लस 10% का क्यूब, चौथे साल में 1 अपॉन 1 प्लस 10% की पावर 4, और पांचवे साल में 1 अपॉन 1 प्लस 10% की पावर 5। वाओ, शाबाश, मारो रट्टे, ये देते तुमको इंस्टीट्यूट रट्टा, डन है भाई, हाँ कि ना? ये इसकी वैल्यू रहेगी सर, ऐसा इतना लिखने में टाइम रहेगा क्या? नहीं, फिर कैलकुलेटर मैं बताता, एक बार तुम कर तो लो। तो पहले साल की 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% का पावर 1, दूसरे साल 1 अपॉन 1 प्लस 10% का स्क्वायर, ठीक है? तो अभी कुछ कुछ नमूने क्या करेंगे, 1 अपॉन 1.10 करेंगे, 0.9090 आएगा, 1 अपॉन 1.21 करेंगे, 1 अपॉन 1.21 0.8264 आएगा, आया? फिर 1 अपॉन 1.1 इनटू इक्वल्स टू इक्वल्स टू क्यूब 1.331 इज इक्वल्स टू 0.7513। अगला 1 अपॉन 1.4641 ऐसे ही कुछ है, 1.1 into equals to 1.4641 वही चीज़ बराबर है। पांचवा 1 upon एक और बार equals to 1.16 नहीं sorry
6051 is equals to 1 upon 1.4641. आप मेरे गाली देने वाले हो, अभी मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, ये 5 साल बाद के वैल्यूज है। अब जैसे हर बार 10,000 रुपए रहे, ये यहां तो 1-1 रुपया था, इसलिए ऊपर 1 रुपया था, हाँ कि ना। अब हर बार अगर यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी बड़ा अमाउंट है, तो ये फिगर बहुत बड़ी आएंगी। अपने को उन सारे पैसों की क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। तो बाद में इसमें इन सबको अपने को ऐड करना पड़ेगा क्या, एम प्लस करना पड़ेगा? करो तो आप आंसर बताइए मेरे, फिर मैं आपको बताता हूँ जादू। तुझसे ही जादू ही जादू ही जादू निकाला नहीं है तूने, ऐसा ऐसा करता निकाला नहीं क्या तूने? इसको लिखो, तुम करो। हमारे वक्त ना बोर्ड हुआ करता था, और माँ कसम टीचर का इतना खौफ ना कि हम उनको सरकने भी नहीं बोलते। अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, पहले तो बोर्ड रहता ना पीछे पूरा, तो बोर्ड भी लिख रहा है। अब इधर मास्टर खड़ा है, इधर का मेरे को लिखना है, जब सर सरकेंगे तब लिखेंगे, नहीं तो बाजू वाले बोलेंगे जो उधर बैठा है, तो जिसको ये एंगल दिख रहा है अभी। तो सुन करो, सुन सुन खतरनाक पट्टे। कितना है आंसर, कितना है आपका? 3.70 7906। चलो ठीक है, जो भी आया होगा। ठीक है, इतना करते बैठोगे क्या? नहीं, कैलकुलेटर लो। 1 डिवाइडेड बाय, सुन लो मेरी बात, 1 डिवाइडेड बाय कितना है? 1 प्लस 10% है, 10% मतलब 1 में 10% मतलब 1.1 है ना। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10% मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला बंद दबा दो, ये 1 प्लस 10% कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज 1.1, ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल्स टू कितना है? ठीक है, ये बाद में इसको ऐड करना है, एम प्लस, फिर वापस से पूरा आपने वापस करा, नहीं इज इक्वल टू दबाओ एक बार, आ गया 8264, 8264 आ गया, एम प्लस, फिर एक और बार इज इक्वल टू दबाओ, तीसरा आएगा, ये भी एम प्लस, एक और बार इज इक्वल टू दबाओ, 0.6830 आएगा, एम प्लस, एक और बार इज इक्वल टू दबाओ, ठीक है, 0.6209 आ जाएगा, एम प्लस, एमआरसी का बटन दबाओ, 3.79 आया। आया ना, काटा हमारा, इतना इतना करवाया। ये तुमको एफएम में करना है, ये तुमको कब करना है? आगे एफएम में, ठीक है। और जो आपका ये आया ना 3.79, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? पीवीएफ या डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये सम है, 5 साल का अगर टोटल पैसा देंगे ना 1-1 रुपया, तो 5 साल में जो 1-1 रुपया मेरे को मिलने वाला है, 1 रुपया फ्यूचर का, उसकी आज की टोटल वैल्यू कितनी है? 3 रुपए 79 80 पैसे, समझे? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कमी रहेंगी ना, हाँ कि ना। तो बोले सर फिर मैं आज जो मेरे पास 3 रुपए 80 पैसे है, उसमें 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5 बार ऐड करूं क्या? झंडू बाम वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है ये आपको अलग अलग सालों में मिल रहा है, किसी पे 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा,
किसी पे 4 साल का, किसी पे 3 का, किसी पे 2 का, किसी पे 1 का, समझे क्या बात? समझे? अब सर ये 1 में थोड़ी होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती सर इसकी, आपको क्या पता है? हमको पता है इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती। मैंने कहा ठीक है ओके। क्वेश्चन, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ रुपीज 15,000। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ रुपीज 15,000 टू बी रिसीव्ड फॉर 8 years एट 12% पर एनम। क्या बोल रहा है भैया? 15,000 रुपए 8 साल मिल रहे अपने को आज से? हाँ नहीं, पूरा नहीं हुआ, ठीक है काफी है, काफी है। साल के लास्ट में पैसा मिलता है, स्टार्टिंग में कोई नहीं देता। तो इसका मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं, सुन लो। 15,000 अपने को 8 साल मिल रहा है, तो 15 × 8 120,000 सर आज की वैल्यू है आपकी। ऐसा है क्या कोई बोलने वाला? अरे भाई आज एक तो आज का थोड़ी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 120,000 बोलने वाला है क्या कोई नमूना? देखो भाइयों और बहनों, आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपसे गुजारिश है आप अभी पूछो, अभी नाउ एंड जस्ट नाउ, क्योंकि बाद में बहुत देरी हो जाएगी। ठीक है? हाँ बताओ क्या करेंगे? वही सेम जो करता है जिंदगी में। ये होने के बाद ये कॉन्सेप्ट हो गया ना तो अपना सारा खत्म, फिर दिमाग लगाना इसे और फॉर्मूला रटने। ओए ओए बच्चा एक मिनट रुक जाओ। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना? हर सर अमाउंट कितना मिलने वाला है? 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15K 15K 15K। यो यस और नो? अबे यार तुमसे मैं कुछ पूछता हूं तुम जवाब नहीं देते हो, भिड़ जाते हो अपने इसमें। ए सुनो एक मिनट मैं बताता हूं। 8 साल तक मेरे को 15,000 रुपए मिलने वाले, ठीक है? तो ये इसकी क्या है? ये इनकी फ्यूचर वैल्यू है। अपने को इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। आपको आपको क्या निकालना है? इसका प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r^t है ना? तो ये एक मिनट मैं बस आपको एक बार बता दे रहा हूं। अबे सुन लो बे, ये 15,000 कितना बन जाएगा? 15,000 upon 1+r कितना है अपना? 12% का पावर 1। ये 1 साल बाद मिलने वाला है तो 1, ठीक है? अगला क्या रहेगा? 15,000 divided by 1+12% का पावर 2, हा कि ना? सो ऑन। अब निकाल के बताओ, और इन सब की आपको टोटल मारनी पड़ेंगी। और मैं आपको बोल रहा हूं ये कैलकुलेटर में एक स्टेप में निकलेगा। कैसे? एक स्टेप। देखो मैं बताता हूं, एक साल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे यार शिट 8 साल गई था। 1 upon 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा ना वो आएगा 4.9676 into आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 74,414.59। अगर ये आंसर आ जाए तो समझ लिया तुम्हारी बात खत्म है, ठीक है? मैं इसकी फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे।
क्या था आई मिस इट, क्या था आई मिस इट, बोलो यार मैंने सुना नहीं। देखो ये चीटिंग है। मैं जो बोलता हूँ सारे लोग सुनते हैं, तुमने बोला मैंने सुनना चाहिए, मैं ऐसा अकेला अकेला नहीं करूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। तुम क्या लगता है मतलब मेरे को जिंदगी में मजे वजे चाहिए नहीं है ना, मैं बोल मेरे को भी हंसना होता है तुम्हारे जोक्स पे। एक तो इतने दूर बारीक में बोलते तुम, हाँ हाँ बोलो 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 क्या था बोलो बोलो। बोलो बोलो देखो भाई ये देखो ये क्या आ जाएगा हर अगले वाले इसमें, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है अपने को, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r की पावर n रहेगा, तो ये हो जाएगा सेम 15,000 अपॉन 1+12% का पावर 3, बरोबर है क्या। सिमिलरली क्या हो जाएगा यहां पे 15,000 अपॉन 1+12% की पावर, थोड़ा दिमाग लगा देना ठीक है, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इसको बोलते हैं आलस, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। पावर 4, 5, 6, 7 और 8 आया ना, ये ऐसा सब कुछ करेंगे अपन, फिर इफेक्टिवली अपने को इन सबको ऐड करना है, यस और नो। तो जो अपन ऐड करेंगे वो कैसा दिखेगा देखो, अपने को इफेक्टिवली वैल्यू क्या निकालनी है, 15,000 upon 1+12% की पावर 1 plus 15,000 upon 1+12% की पावर 2, so on, 15,000 1+12% की पावर 8, इसकी वैल्यू निकालनी है, आया ना बोलो। किसी को आपत्ति है, किस बालक को, किस झेंडू बाम को लिखना है तो लिख सकता है, ठीक है पॉज करके, ठीक। अब कैलकुलेटर में पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 रुपया था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो 15,000 पिछले बार अपन ने क्या करा, 1 upon 1.1 = 15,000 / 1.12 = करा m प्लस में डाल दिया, वापस इक्वल्स टू करा m प्लस में डाल दिया, ठीक है वापस इक्वल्स टू करा m प्लस में डाल दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एमआरएस 74,514 रुपए, आया ना, आ गया डायरेक्ट आंसर, आ गया ना, यस हाँ ना, खट 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 खट। अब कुछ कुछ नमूने इसको ऐसे भी करते, क्या करा 15,000 को कॉमन ले लिया सर, क्या करा 15,000 को कॉमन ले लिया बाहर, और उसको कर लिया 1 upon 1 plus 12% की पावर 2, so on। सुन लो वापस सुन लो मेरी बात, 1 upon 1.12, 1 plus 12% कितना होता है 1.12, अगर किसी बावले को ये भी नहीं आता तो उसने क्या करने का 1 plus 12% एक बार मन में करके देख लेने का कैलकुलेटर पे, ठीक है मन में करके देखने का, श्रुति कहां पे कैलकुलेटर, 1 upon 1.12 = 1 upon 1.12 =, मैं आपको दूसरी चीज जो बता रहा हूं उसका रीजन है, सुनो मेरी बात झेंडू बामो डार्लिंग, सुनती क्या अबे यार रुको यार तुम प्लीज यार रुको यार प्लीज, ठीक 1 upon 1.12 करो एक बार, इज इक्वल टू करा एम प्लस में डालो, फिर कितने साल तक चाहिए अपने को 1 upon 1.12 की पावर 8 चाहिए ना, तो अपने को ये 8 बार करना पड़ेगा, एक बार इज इक्वल टू दबाया एम प्लस में गया तो ये पावर 1 आ गया, एक और बार इज इक्वल टू दबाया एम प्लस में डाला 2 आ गया, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 8, हर बार में एम प्लस में डालते गया, ठीक है एमआरसी कर दो, 4.9676 आया सबका,
इसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो अगेन वही सेम आंसर आएगा 74,514 रुपए आएगा। मास्टर पागल हो गया, तनिष कह रहा है येड़ा, पहले आंसर आया था पागला। ठीक है, मैंने दो तरीके बताए, एक 15,000 को साथ में रख लो, फिर बता रहा हूं क्या। पहला तरीका 15,000 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल्स टू करा तो ये पावर वन आई इसकी, एम प्लस में डाला इज इक्वल्स टू करा, दूसरा आया एम प्लस में डाला इज इक्वल्स टू करा, तीसरा आया इज इक्वल्स टू डाला, चौथा इज इक्वल्स टू, पांच इज इक्वल्स टू, छह इज इक्वल्स टू, सात इज इक्वल्स टू, आठ। एमआरसी कर लिया, डायरेक्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर यह आंसर आ गया आया। फिर दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, बोला 15,000 को गोली मारो, ये बाद में सोचेंगे, पहले ये अंदर की वैल्यू निकाल लेते यहां से यहां। तो अब मैंने क्या करा है, 1 divided by 1.12 इज इक्वल टू एम प्लस 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 एमआरसी। ठीक है, नहीं एक कम करा मैंने, देखो ऐसा होता, 7 बार कर दिया मैंने, याद रखने का 1 divided by 1.12 इज इक्वल टू एम प्लस, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, क्या कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू का बटन, एम प्लस का बटन, एमआरसी 4.96 ये वाली वैल्यू आई मेरी, ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, और बाद में इसको मैंने 15,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन सेम आंसर है भाई, यही आंसर है, यही आंसर है। मास्टर एक तो तुम पागल हो, नहीं तो हमको पागल बना रहे हो, दो दो तरीके बता के हमारा दिमाग कंफ्यूज होता ना बाबा। नहीं सुनो, ए सुन 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 सुन, ये जो वैल्यू है ना इसको बोलते हैं पीवी फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं पीवी फैक्टर, या इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ये काय का डिस्काउंटिंग फैक्टर है मालूम है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर मालूम है काय का, 12% फॉर 8 years, 12% फॉर 8 years, 15,000 हो, 25,000 हो, 1,00,000 हो, 100,00,000 हो, 300 करोड़, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा यही रहेगा। अगर रेट 12% है और 8 साल का टाइम है तो, ठीक है, रेट 12% है और 8 साल का टाइम है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यही रहेगा, और क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया हुआ होता है। आपको क्या करना है, इनटू कर देना है वो अमाउंट से जो हमेशा आता है। बाजू में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 3.79 इनटू हर साल कितना है, 15,000 56,850, ऑप्शन टिक करो और आगे चलो। समझा गया, लोग क्या करते हैं शॉर्टकट के चक्कर में ये बता देते हैं, ये वाला तरीका बताते नहीं। फिर बच्चा जो क्वेश्चन करता है क्लास में या एग्जाम में वो इस तरीके से करता है, और ये सारी चीज की वैल्यू निकालने के लिए उसको 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लगते हैं, वो 30 सेकेंड अपने को बचाने हैं। इसको फुल स्क्रीन करके लिख लीजिए, हमें मस्ती ना करो, लिखो, मौत आएंगी बाद में, नहीं तो। अब मालूम है फाउंडेशन और इंटर में क्या डिफरेंस है, सेम सेम क्वेश्चन इंटर में आएगा आपको एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और यस फाइनल के अंदर स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम में आता है, बट वो चिल्लर है। सिर्फ डिफरेंस मालूम है क्या रहेगा, ये जो आपको सेम अमाउंट है ना वहां अलग अलग अमाउंट मिलेगा, ये लीजिंग में काम आएगा। अभी अभी सिखाऊंगा मैं आपको 3 दिन के बाद, बड़ी बड़ी चीजें, लीज करना है मशीन या रेंट पे लेना है, रेंट पे लेना है या खरीद लेना है, खरीदूंगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा पैसा आज जाएगा, रेंट पे लूंगा तो क्या होगा, साल भर जाएगा, समझ रहे हो। तो जो पूरे जैसे समझ लो लीज रेंट कितना है, एक मशीन है जिसकी कीमत है 6,00,000 रुपए, समझो आज बात, एक मशीन है जिसकी कीमत कितनी है 6,00,000 रुपए, अगर मैं आज खरीद लेता हूं इसको तो ये 10 साल तक चलती है,
तो आज मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। एक ऑप्शन है आज खरीद लेना, दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको रेंट पे लेना। रेंट कितना जाएगा, 1 लाख रुपए महीने का, सॉरी 1 लाख रुपए साल भर का। बट ये 1 लाख × 10 साल के लिए 10 लाख हो गए सर, वो ही नहीं क्या, हर साल का 1 लाख रुपए 10 साल की मशीन की लाइफ है, तो 10 साल का रेंट कितना हो गया, 10 लाख रुपए। सर फिर 6 लाख की मशीनरी आज खरीद ही लो ना। अरे नहीं भाई, वो जो मैं 1-1 लाख रुपए दे रहा हूं, उस 1-1 लाख रुपए की आज की वैल्यू कितनी है वो निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करवाऊ क्या, बहुत अच्छी बात है, आप हाँ बोल दिए तो करवाई दे, तो ले यही चाहिए। तुम बोलो जिंदगी में क्या करना है, ये लिखो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखवा दो, चलो उम्मीद करता हूं ये लिख लिया होगा, जिनने नहीं लिखा होगा वो बाद में लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन, पीसी हैज टू ऑप्शंस, मैं ऑप्शन वन बाय मशीन एट ₹7 lakhs, ऑप्शन टू रेंट मशीन एट ₹1 lakh पर ईयर, ठीक है। नोट नहीं, आर इज इक्वल टू 13%। टाइम देने की जरूरत है क्या, टाइम नहीं दे रहा हूं। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 साल की यूजफुल लाइफ, ठीक है। एनालाइज विच ऑप्शन शुड पीसी ऑप्ट फॉर। अब इसको फैंसी बना देते हैं, ये सादा है ना, ये ऐसा सादा नहीं रहता, ये 10 लाइन का ये बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 लाइन का बन सकता है, मैं बता दूं कैसे। मिस्टर प्रणव चांडक इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्ला 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 ब्ला, जो भी चीज है वो, ठीक है। ही इज ऑपरेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वन मशीन, हिज ओल्ड मशीन हैज बीन सेवेज्ड, मतलब कर दिया उसको खराब कर दिया। नाउ He is thinking of buying a new machine which would cost him ₹7 lakhs. ठीक है। His accountant has advised him to rent a machine which is available at ₹1 lakh per year. ठीक है। Now, being a chartered accountancy student, you are required to advise CA Pranav Chandak which option is financially viable to him. बन गया 8 लाइन का, ये उसका क्रक्स है। बताओ मेरे को, ये सोपा है कि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ना सोपा है? तो तुमको क्वेश्चन वैसा रहता, फिर तुमने क्या करना चाहिए, ऐसा बनाने का, काम की चीजें लेने का। बहुत सारे लोग पूरी दुनिया भर की बकवास करते करते अपने काम की सुनने का, ये काम का है, ठीक है। लिखो, बताओ मेरे को क्या ऑप्शन है। सर बेसिकली करना क्या पड़ेगा, 7 लाख रुपए आज पूरे के पूरे देंगे, दूसरा ऑप्शन है रेंट करेंगे 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देंगे 10 साल तक, है ना। रेंट चालू होता है साल के लास्ट में, ऐसा अज्यूम करके चल लो, ठीक है। तो इस सब की जो 1-1 लाख रुपए अपन दे रहे हैं 10 सालों में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। चलो थोड़ा दिमाग तो लगाओ, मतलब मैं ही बता दूंगा तो फिर वो क्लरिकल हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे को बताइए क्या करूं मैं भैया, बताओ। बड़ी धर्म संकट में फंसे भाव, ठीक है। रेंट पे लू, ठीक है, कुछ लोग का कहना है रेंट पे ले लीजिए, ऑलरेडी कह दिया भैया ने, तो आप बताइए मेरे को क्या करें। 3 मिनट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, रिकॉर्डेड वाले बच्चे इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। कौन है ये? सर मेरा फीस दीजिए बताने का, नवाब नवाब बोल रहे हैं। भाई मेरा क्वेश्चन बनाने का पैसा दे दो तुम, मेरा वो पैसा ज्यादा रहेगा फीस से तुम्हारे। हाँ ठीक है भाई,
क्या करने वाले सदैव। अच्छा ये 7 लाख का, एक मिनट मैं सवाल पूछता हूं तुम जवाब दो, ठीक है। मैं अपनी मां कसम बोल रहा हूं, जब मेरा शेयर आएगा ना मैं अपना शेयर 10% भूषण को दूंगा। भाई बहुत मदद करता है, मेरी आधे बच्चों को ही तो समझाता है। ठीक है, मेरे दो सवाल है। एक सवाल कि भैया ये 7 लाख का और ये 1 लाख का कोई संबंध है? सर डायरेक्टली दोनों का कोई संबंध नहीं, ये 7 लाख अलग चीज है, ये जो 1 लाख आप हर साल का रेंट दे रहे हो अपने को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, पूरा लिखू क्या? 1 लाख डिवाइडेड बाई 1+13% है ना, तो 1+13% कितना होता है? 1.13। 1.13 का पावर कितना आएगा? 10 साल है। तो मैं बेसिकली डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल रहा हूं, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये शब्द सुनो, नहीं तो इंटर में जब एफएम में जाऊंगे ना, एफएम का मास्टर ये शब्द बोलेगा और तुम ऐसे देखोगे कि मैं दूसरे ग्रह से आया, और फिर वो तुम्हारी धज्जियां उतारेंगे, बोलेंगे अबे इतना भी नहीं आता, कैसे पास हो गया फाउंडेशन, मैं टैक्स पढ़ाता। वो ऑल टूगेदर डिफरेंट है, ठीक है। मतलब मैं फाउंडेशन का बर्डन इंटर में कैरी करूं, इतना अच्छा तो मैं नहीं हूं। अरे मैं कैसे गाली दे सकता हूं तुमको, एफएम पढ़ाऊंगा, मान लो मैं कभी एफएम पढ़ा देता, ठीक है, मैं तुमको गाली दे ही नहीं सकता। तुम बोलोगे सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाउंडेशन में बहुत पहले पढ़ाया, वापस पढ़ाओ, इसलिए मैं दूसरा दो। नहीं भाई मेरे को मैथ्स आता ये ठीक है, पर मेरे को ये पता है बच्चों को मैथ्स नहीं आता, तो मैं इंटर में कभी भी मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाना ही नहीं चाहता। अभी कल है ना मेरा अच्छा खासा बात हुआ, एक अच्छी बड़ी कंपनी है, सीएफएम नहीं है बेसिकली सीए वाले बच्चों को जो आर्टिकल सीख देते, तो उनसे मेरा काफी 1.25 घंटा डिस्कशन हुआ कि भैया बच्चों क्या क्या चीजें चाहिए। तो उसके कुछ इनटेक से मैं आपको किसी दिन बताऊंगा आराम से, ठीक है। अभी नहीं पहले जरूरी है, ठीक है, जरूरी ही है पहले। तो अपने को है ना बेसिकली 1 लाख रुपए की वैल्यू निकालनी है, तो 1 लाख रुपए तो अलग रखेंगे, पहले अपन क्या निकालते, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते। 1 डिवाइडेड बाई 1.13 हो कि नहीं, 1 डिवाइडेड बाई 1.13 इज इक्वल टू एम प्लस में डाला, ये पहले साल का हुआ, इज इक्वल टू एम प्लस में डाला दूसरा साल, इज इक्वल टू एम प्लस 3, इज इक्वल टू एम प्लस 4, इज इक्वल टू एम प्लस 5, इज इक्वल टू एम प्लस 6, इज इक्वल टू एम प्लस 7, इज इक्वल टू एम प्लस 8, इज इक्वल टू एम प्लस 9, इज इक्वल टू एम प्लस 10। एमआरसी कितना है आपका? 5.42624347582। ये पूरा का पूरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है क्या? आया। अब क्या करो, इसको इंटू 1 लाख कर दो, इंटू 3 लाख रहता तो इंटू 3 कर दे सर, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर और ये जो पैसा है ना 1 लाख, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम रहेगा मेरे लिए आपके लिए। अगर साल 10 है और रेट 13% है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर इतना चाहेगा, इसको मल्टीप्लाई करके दो 1 लाख से, तो मेरी जो वैल्यू आ रही है काय की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल या रेंट इज इक्वल टू 5,42,624 रुपए, और मशीन खरीदने जाऊं तो कितने की आ रही है? 7 लाख की। अब आप बताओ क्या करूं, मशीन पे लू ना, मशीन खरीदू ना? अबे कुछ भी बातें कर रहे हो, मशीन खरीदना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई ज्यादा पैसा जा रहा है ना, समझे क्या, ज्यादा पैसा जा रहा है खरीदूंगा। अरे भाई आज मशीन खरीदूंगा तो 7 लाख जाएगा, वही अगर 10 सालों में 1-1 लाख का रेंट दूंगा तो जा तो 10 लाख रहे, बट वो पूरे 10 लाख की आज की वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू 5,42,640.24। तो कौन सा सस्ता है? रेंट सस्ता है, क्या करूं? रेंट बराबर। सर इसमें वो नहीं आता क्या कि मेरी खुद की मशीन है, समझ रहे हो आप बात को? वो
ओनरशिप वाला प्राइड नहीं चाहिए क्या धंधे वाले को? नहीं चाहिए। ये चोचले सब घर वालों के होते हैं कि अपना खुद का घर है, मतलब बाइंग अ हाउस इज अ वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा आराम से, अगेन वही इसमें नहीं घुसाते, नहीं तो ये छूट जाएगा ना वो रहे, तो कभी ना कभी वो टॉपिक निकलेगा ही। मैं समझाऊंगा आपको कि भैया घर कब लेना चाहिए। अरे मतलब मेरे पप्पा तो मेरी इच्छा ऐसा हाथ पाओ सर सब पकड़ के लगे घर लेना, पहले घर लेना। मैंने बोला अभी रस्ते भी सोता मैं, कोई सेंस है? मैं आपको बताऊंगा बहुत टाइम बाद कि मतलब ये फाइनेंशियल डिसीजंस। और पहले बाबा आदम के जमाने में लोग क्या बोलते मालूम है? एक रूम का भी घर रहा तो चलता, पर अपना घर होना। हाँ, दूसरे घर में अपन नीचे नहीं सोते ना, पानी के सामने सुलाता हो अपने को, ठीक है? तो यहां बताओ क्या खरीदना करना चाहिए, खरीदना है कि क्या करना है? रेंट पे देना, ठीक है? सर पर मशीन, अपनी मशीन तो अपनी छोटी ना, क्यों अपनी मशीन 10 की 12 चलेंगी, दूसरे की रेंट पे लिया तो 10 की 8 चलेंगी और अपनी 10 की 12 चलेंगी, नहीं ऐसा ये है। अब एक और दूसरे टाइप का सवाल आता है इसमें, ठीक है? ये क्या है, ये क्वेश्चन है कि बाय और लीज, बाय और लीज, तो क्या करना चाहिए अपन ने? लीज पे लेना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, नहीं नहीं यही क्वेश्चन सुन तो लो मेरी बात। अब यहां पीसी के एंगल से सुना आपने, जिसको मशीन खुद को यूज करनी थी, अब दूसरी स्कीम सुनो। तनीषा है मेरे पास, बोले सर एक मशीन है 7 लाख की है, क्या करा तनीष? तनीष आया मेरे पास, बोले सर एक मशीन है, रुको रुको यार मस्ती ना करो, ठीक है? तनीष आया मेरे पास, बोले सर एक मशीन है 7 लाख की है, मेरे को मशीन चाहिए, आप खरीदो और मेरे को किराए पे दो। होता है ना ऐसा, ऐसा ये बहुत होते हैं, आप खरीदो और किराए पे दो मेरे को। बोले आज खरीदूंगे 7 लाख की मिलेंगे आपको, मैं आपको 10 लाख का किराया दूंगा, दे रहा है? दिख रहा है ना? 10 लाख का किराया दे रहा है मशीन तनीष मेरे को। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में क्या करवाया, मेरा मेरे को खुद के लिए चाहिए थी मशीन। दूसरा ऑप्शन तनीष आया, बोले सर आप एक मशीन खरीदो, आपके आज 7 लाख रुपए जाएंगे, ठीक है? और मेरे को किराए पे दे दो क्योंकि मेरे को चाहिए वो, और ऐसी बिजनेस अरेंजमेंट होती है। तो मैंने बोला मेरा क्या फायदा? बोले सर आपको 10 लाख का रेंट मिलेगा, मतलब 3 लाख का खड़े खड़े फायदा हो गया आपका। फिर जिसको पता नहीं था मैं मैथ्स पढ़ा था, मैंने बोला अच्छा तो तू 10 लाख देगा, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 5,42,000। मैंने मशीन खरीदना चाहिए क्या? नहीं खरीदूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मशीन की जो कॉस्ट है वो जो लीज रेंटल आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। पैसे आएंगे 7 लाख, आएंगे कितने? 5,42,000। मेरा तो नुकसान हो गया 1,58,000 का। हाँ या ना? इसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। सब बुक में दिया हुआ है कोरे कोरे अक्षरों में, अभी बस दिमाग में डाल, ठीक है? डन है बच्चा? यस। मजा आया? अरे मजा आया क्या? सर अगर आप रेंट पे लोगे तो आपको गए और परचेस किया तो मैं रेंट पे ले लो, बराबर। थैंक यू सर, आप कह रहे हो तो रेंट पे ले लो, और ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं तो आपको लगेगा कोई पागल थोड़ी आदमी है। जैसे अगर मेरे को तनीष बोलता था ये मशीन जो 5,42,000-7 लाख की आ रही है, अगर सेम मशीन 5 लाख की आती थी और तनीष मेरे पास वो ऑफर लेके आता कि सर 5 लाख की मशीन है आप खरीद लो, मेरे को रेंट पे दे दो, मैं आपको 1,00,000 रुपए हर साल का दूंगा, तो मैं ले लेता था क्योंकि 5 लाख की मशीन है और जो पैसा आ रहा है उसका कितना है? 5,42,000। तो मेरा तो 42,000 का खड़े खड़े प्रॉफिट है। ये ऐसा कौन करता है? ऐसे मेरे एक काफी अच्छे दोस्त है, उन्होंने उनके किसी रिश्तेदार से करवाया कि भैया देखो क्या होता है,
आप ऑफिस खरीद लो, आपको एक हो गई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, आप ऑफिस खरीद लो 1 करोड़ का, मेरे को रेंट पे दे दो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर मैं किसी थर्ड पार्टी से रेंट पे लूं तो मेरे को डर है। डर क्या है, वो कभी बोलेगा सर बंद कर दो आपका, जैसे अभी हमने क्लासरूम में इतना खर्चा कर रखा है, ठीक है, जो ओनर है ये रेंटेड है, ओनर है, उसने बोला मैं दूसरे को देना चाहता, गया हमारा पीओपी। हाँ कि ना, ये पीओपी निकाल के उधर ले जा सकते क्या? नहीं, ये हरा करेगा, गया दूसरे रूम में वापस हरा करना पड़ेगा। अब खैर यहां तो फर्नीचर नहीं करवाया मैं क्लासरूम में, तो जहां फर्नीचर करवाया, जैसे मेरा ऑफिस है उधर पूरे कांच लगाए हुए, वो कांच उसी साइज के, दूसरे जगह पे काम नहीं आते, टफन ग्लास है, चूर चूर हो जाता है वो कांच। मेरा तो भैया 4-5 लाख रुपए का फर्नीचर का नुकसान ना, समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो बोलते हैं भैया एक काम करो, अपने जान पहचान वाला, जैसे आप मेरे पास आए, मेरे पास 1 करोड़ पड़ा है, आप आगे सीए बन गए, आपको ऑफिस चालू करना है प्रेस्टीज में, आप मेरे पास आए, सर मैं मतलब 1 करोड़ पड़ा था मेरे पास, बोले सर आप एक ऑफिस ले लो, मेरे को रेंट पे दे दो। मैं बोला क्यों? तो मेरे को समझ लो 1 करोड़ रुपए का जो भी मेरे को आता है उससे आप 1000 रुपए ऊपर देने को तैयार हो। काय को आपको बताया, अपने संबंध ऐसे सर निकालेंगे नहीं, दूसरा रहा निकाल सकता है आपको। तो अब आप इसको 10 साल 25 साल 50 साल वापरो, आपको मालूम मेरे को पैसे काम ही नहीं है, बहुत पैसा है, समझ रहे हो ना? तो मेरे को तो ऊपर का पैसा मिलेगा और आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा कि भैया चलो सर अपने को ये तो निकालेंगे नहीं, अपन 10 लाख का क्या 25 लाख का फर्नीचर बना सकते, और फर्नीचर से बहुत गेट आता है, रेंटेड प्रीमाइसेस में कोई फर्नीचर बनाता नहीं वैसा जैसा बनाना चाहिए, खुद का बनाना है तो कैसे बनाता आदमी। तो ये बहुत सारे डिसीजन होते हैं, प्लस इसके अंदर फाइनेंशियल वायबिलिटी भी होती है। जैसे मेरे पास 1 करोड़ पड़ा है, आपको 1 करोड़ लाना है तो आपको बैंक के चक्कर, लोन, ब्ला 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 बहुत सारी चीजें लानी पड़ेंगी। 1 करोड़ के लोन के प्रोसेसिंग फीस होंगी कम से कम 1.5 लाख रुपए, 2% होती है प्रोसेसिंग फीस मिनिमम, जहां तक मेरे को पता था। मैंने बहुत टाइम पहले एक लोन लिया था 50,000 का, क्रेडिट कार्ड पे दे रहे थे, मतलब दे दे भाई शॉप के लिए, मतलब देखे सही कैसा लगता है, ठीक है। टुडे इज बाइटिंग वेदर इन आगरा, अरे बाप रे स्पेलिंग भाई, टुडे इज BITING, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, वेदर WETHER, वेदर का स्पेलिंग WEATHER होता है इन आगरा। PW का स्टूडेंट आ गया तो बाद में क्या करोगे बताना तो पड़ेगा, किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या अच्छा रेंट पे नहीं दे रहे, नहीं नहीं दे देंगे रेंट पे, उनको भी दे देंगे, ठीक है। हाँ तो कल मैं ये बात हो रही थी मेरी कि अभी मैं थोड़ा जैसे आप इंटर में जा रहे, ठीक है, अगेन ऑफिस एक्सपांशन कर रहे, तो अभी हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, अभी 15 दिन में एक अनाउंसमेंट आ जाएगी पूरे CA कोर्स, CA CMA सब सब के, ठीक है। फिर मैं मतलब वो हो गया है, वो प्लान आउट हो चुका है, तो अभी मैं वो उस पे जा रहा हूँ कि भैया इंटर कर लिया, आर्टिकलशिप चाहिए ढंग की, क्योंकि बिना आर्टिकलशिप के तो भैया आप CA कच्चे से हो, कच्चा नींबू हो फिर आप, अब आर्टिकलशिप मिलती नहीं है। अब ये बाबू को आर्टिकलशिप चाहिए, उसमें कुछ पता ही नहीं आर्टिकलशिप का, क्या करना है कहाँ जाना है पता है तेरे को? नहीं अभी नहीं पता, इंटर में कहाँ पता रहे, और आर्टिकलशिप में इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, ये सारी चीजों में ना बहुत सारे मतलब लोग हैं जो लूट मार मचा रखे, तो हम उसका सस्टेनेबल मॉडल बना रहे कि भैया एक प्रॉपर थोड़ा गाइडेंस देंगे बच्चों को, और ऑब्वियसली पैसा लेंगे, फोकट में कुछ नहीं करता मैं, ठीक है। नहीं मैं, आप मेरे को फोन करो, सर बताओ मेरे को आर्टिकलशिप कहाँ से करूँ, ठीक है, मैं आपको जगह बताऊंगा। बेटा देख कोई भी अच्छी फॉर्म निकाल ले, गूगल पे जा, top 10 firm इन पुणे पूछ ले, ढूंढ ले, थोड़ी रिसर्च कर, वहां के HR का मेल ID निकाल और रिज्यूम भेज दे, यही मदद कर सकता हूं मैं फुकट में। ये भी ज्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास अपना धंधा है संभालने, समाज सेवा करने को बैठा हूं क्या मैं, CA बना, CA छोड़ के, प्रैक्टिस छोड़ के ये पढ़ा रहा हूं मैं, समाज सेवा है क्या? नहीं है। हाँ आप बोलोगे सर 5,000 का कोर्स है, मेरे को 4,000 में दे दो या 4,500 में दे दो, ठीक उतना मैं कर सकता हूँ अपने लिए,
फुकट में तो किसी को नहीं देता क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो उस पर भी हमारा काम चल रहा था, तो मेरी एक बहुत सीनियर फर्म है उनके जो सीनियर मैनेजर, उनसे बात हो रही थी कि भैया क्या क्या क्वालिटीज होगा या कौन सी चीजों का काम पड़ता है। जैसे मैं टैक्स पढ़ाता हूँ, ऑडिट डिमांड की मैम पढ़ाती है, ठीक है, मतलब मेरे पास में जो पढ़ाता है, तो मैं उनको वो वही पूछ रहा था कि भैया आप ये काम क्या क्या पड़ता है। जैसे आपको एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, सी ए के अंदर कॉस्टिंग है, सी एम ए के अंदर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा काम है, हम सी एम ए भी करवाते हैं, सी एम ए सी ए के अंदर कॉस्टिंग बस एक ही जगह काम होता है, कहाँ पे, जब आप ऑडिट करने जा रहे हो, जब आप इन्वेंटरी चेक कर रहे हो, तो वरायंस कॉस्टिंग वगैरह काम आता है कि भैया इतना बजट था और इतना एक्चुअल में हुआ, तो बस उतने ही जगह काम। अब मेरे को ये क्यों करवाना था, क्योंकि मेरे को, मैंने बोला एक बार जब पढ़ाते हैं ना तो हम हमेशा, हमको मालूम है इतना टाइम हो गया पढ़ाते हैं, तो अपने को मालूम है एग्जाम के अंदर क्या पूछते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ये जो चीज है ना अपन जो कर रहे हैं, ये ऐसी वाली चीज, ये कहाँ काम की है, ये वाली चीज, ये इंटर में काम की, ये आपको इंटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क के लिए आएगा। कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए। अगेन थोड़ा लेवल ऊंचा रहेगा, जैसे पहले 3 साल 10-10 हजार मिल रहा है, बाद में 5 हजार मिल रहा है, ऐसे थोड़ी लेवल बढ़ जाएगी, बट ये पूरी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे स्टेप वाइज मार्किंग रहेगी, इसको आधा मार्क, इसको आधा मार्क, इसको आधा मार्क, ऐसा। तो सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा। तो मेरे को बीइंग अ टीचर ये बच्चे को बताना पड़ेगा कि भैया ये कॉन्सेप्ट है, प्लस ये इंटर में काम आता है, बट तू फाउंडेशन में, तूने फाउंडेशन में ये यूज करना चाहिए, क्योंकि तेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, इतनी जगह नहीं रहेगी, रफ शीट नहीं रहेगी। तो एग्जाम में क्या आता है हमको पता है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, मेरे को टैक्स का पता है ऑब्वियसली क्या पूछते हैं, बट बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता। और बच्चे को गाइड करना है तो तुमको समझना पड़ेगा पूरा क्या सब्जेक्ट कौन सा कहाँ काम आता, तो उसके लिए उससे 1.25 घंटे बात हुई, तो मेरे को बहुत ज्ञान दिया भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल का। वो उसने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान अभी मैं तुमको दे नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए वो ज्ञान ज्ञान के ऊपर चल जाए। तो उसके बाद में मेरे को दिशा बोली, और लिटरली वो आदमी कैसे बात कर रहा था बताया मेरे से, ये टोन ऐसे धीरे में, हाँ फिर अपन बच्चों से कास्टिंग में, तो अराउंड 55 साल का आदमी होगा, ठीक है, कास्टिंग में तो ऑडिट में ही काम आता है, और फिर ऐसे ये टोन में, क्योंकि 55 साल का आदमी है, ऑलमोस्ट ऐसी बात करता है, उसे ये वो बैठता है घर पे, बस उसके फॉर्म के अंदर सारे लोग काम करते होंगे, तो वो इतना धीरे बात कर रहा था, मैं परेशान हो गया उस समय, और मैं फोन स्पीकर पे लगाता हूँ, मतलब मेरे घर पे अगर किसी फोन आ रहा है, मैं अगर बैठ के ऐसा, तो भाई स्पीकर चालू कर दिया, भैया बोलते रहे तो अपन सुन रहे, इधर उधर घूमते रहते, ठीक है, तो दिशा सुन रही, दिशा मेरे को कहती है कि यार तू इतना देर उसकी बात, इतना कान पका दिया उसने। अब दिशा क्या है, दिशा एकदम यंग डायनामिक वाला इंसान है, अपन थोड़े कैसे लोगों का सुनना पड़ता भाई, बड़े लोग का। तो मैंने बोला उसने कान पका दिया मेरे, सच बात है, पर उसने जो मेरे को ज्ञान दिया ना वो 5 साल के बराबर है मेरे लिए। मैं बोला अगर मैं खुद जाके ढूंढता ना, चीजें करता था, तो 5 साल में मेरे को उतना मिलता था जिसने उसको मेरे, उसने मेरे को 1.25 घंटे में। तो वही से होती है बात कि भैया सुनना शुरू करो। आदमी कल मैंने एक स्टाफ को निकाल दिया, सुनती नहीं थी वो, सुनती नहीं थी मतलब बच्चे का फोन आ रहा, हाँ सर एक्चुअली वो ऐसा है सर, एक्चुअली वो ऐसा है सर, एक्चुअली 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 ऐसे रहते, कुछ लोग एक्चुअली बोलते, कुछ लोग ओ नो ओ यस ओके सर ओके। भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बहुत खराब हो तुम, जैसे फिलर्स यूज करते हैं ना कुछ लोग, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा। तो मैंने उसको 3 बार बोला, सुबह आया तब भी सुन लिया, मैंने बोला ये मत बोलो यार, क्या बात जबरदस्ती बिन काम का, जहां पे जरूरत भी नहीं वहां पे एक्चुअली डाल दे रहे हो, 1 2 3 मैं बोला शाम को छुट्टी देखो दूसरा दांव दे। तो लोग सुनते नहीं है, मैंने कल उसको समझाते हुए यही बोला कि भैया आप सुनना शुरू करो, आप सुनोगे ना, मतलब अभी मैं ये पोजिशन में आ चुका, अब मैंने किसी की नहीं भी सुनी ना तो मेरी जिंदगी का कुछ नहीं बिगड़ता, आबाद हूं मैं भी।
अगले 50 साल तक, तो जब तक जीऊंगा, पर सुनोगे ना तो आप बहुत आगे जाओ। लोग का सुनना जरूरी है, यू शुड बी अ गुड लिसनर दैन गुड कम्युनिकेटर। बोलना जरूरी है, पक्का है, पर सुनना भी उतना ही जरूरी है। जो सिर्फ बोलते रहता सुनता नहीं ना, वो पागल हो जाता है। चलो खैर, अब ये सारा आपको, अब मेरे को दो गालियां, क्योंकि ये जो सारा तुमने कर रखा है ना बच्चों, ये क्या निकाला आपने, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाला एन्युटी का। कल जो आपने करा था, कहां गया वो, किधर है बे तू? कल जो आपने, ये जो आपने करा है प्रेजेंट वैल्यू निकाला है एन्युटी का। कल जो आपने करा था, क्या करा था कल आपने, फ्यूचर वैल्यू निकाला था, ठीक है। इन सब के बच्चा पार्टी, ये फॉर्मूले है, आप इनके फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आपका आंसर आ जाएगा। सही में, बट अगेन जरूरत पड़ेगी। अब देखो, आ जाओ, जो एन्युटी होती है, एन्युटी होती है, उससे रिलेटेड आपको दो टाइप की एन्युटीज मिल सकती है। एक मिलती है एन्युटी रेगुलर, दूसरी मिलती है एन्युटी ड्यू। एन्युटी रेगुलर, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था, आपका आपने गौर किया क्या, मेरे को पता नहीं है। मैंने बोला ये जो पेमेंट मिलने वाला है, ये साल के लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा साल के लास्ट में मिलना और साल के पहले मिलने में, फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा क्या? मैंने बोला आपको मैं इस साल पेमेंट कर दूंगा, अर्पिता इस साल में आपको जो 10,000 रुपए आज मिल रहे टुडे, और ईयर एंड में मिल रहे 10,000 रुपए, इसमें कोई फर्क है क्या, है कि नहीं है? सर बहुत फर्क है, आज अगर आप मेरे को 10,000 दोगे ना, तो इसमें 10% साल भर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये 11,000 हो जाएंगे, और साल के एंड में जो दोगे वो 10,000 ही रहेंगे, हाँ कि ना? तो साल के स्टार्टिंग में तो या एंड में तो फर्क पड़ता है क्या? ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। स्टार्टिंग में दे दिया आपने तो आपको भैया एक पूरे ज्यादा साल का इंटरेस्ट मिलता है, एक साल का पूरा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, समझ रहे हो? जैसे मैंने पैसा डाला स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये लिखना है नहीं है, सिर्फ सुनना है। स्टार्ट ऑफ द ईयर में डाला, एंड ऑफ द ईयर में डाला, पहले साल डाला, दूसरे साल डाला, चार ही साल के लिए डाल लो, ठीक है। सुन लो, 4 साल के लिए पैसा डाल लो, 4 साल के बाद पैसा उठा लूंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, भी मैम की सुनते हैं बहुत। लव यू सर, थैंक यू। सुनना पड़ेगा भाई, बीवी है, सुनना पड़ेगा, हो देंगे नहीं तो। साल के स्टार्टिंग में डाल रहा हूं, 4 साल के लिए पैसा डाल रहा हूं मैं, ठीक है। साल के स्टार्टिंग में डाल 10,000 10,000 10,000 10,000, यहां पे मेरे को मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा। साल के एंड में डाल रहा हूं 10,000 10,000 10,000, अगेन यहां पे भी 10,000। बताइए फर्क पड़ेगा क्या, क्यों फर्क पड़ेगा? सर देखो, ये साल के स्टार्ट में डाल रहा हूं, मतलब पहला साल पूरा उनके पास रहा। ये वो कौन है जिनके पास पैसा रहता है, जिसको भी आपने दिया है, जिस भी स्कीम में आप डाल रहे हो, बराबर। तो ये जो 10,000 रुपए है ईयर वन के, जो मैंने स्टार्ट में डाले, इस पे पहला साल पूरा उनके पास पैसा था, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 4 साल पैसे थे, इस पे 4 साल का ईयर इंटरेस्ट आएगा, 4 ईयर का इंटरेस्ट आएगा। ये दूसरे साल के स्टार्टिंग में आपने जो पैसा दिया उस पे कितने साल का आएगा, दूसरा साल पूरा, तीसरा साल पूरा, चौथा साल पूरा, 3 साल का इंटरेस्ट आएगा, 2 साल का इंटरेस्ट आएगा, और लास्ट ईयर में जो पैसा दोगे ना उसमें भी 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। कैसे सर? साल के स्टार्टिंग में दे रहे हो, साल के लास्ट में पैसा निकालोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए, हाँ कि ना? ईयर एंड में डाला तो कैसा रहेगा सीन बताओ, पहले साल के एंड में डाला,
तो 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा क्या? क्यों? देखो सर, साल के लास्ट में डाल रहे हैं, दूसरा साल पूरा उनके पास, तीसरा साल, चौथा साल, 3 साल का मिलेगा? 3 इयर्स या 2 साल या 1 साल, और ये लास्ट में आप पैसा डाल रहे हो ना 14 साल के, ये कैसा अमाउंट हो जाएगा मालूम है? ये साल का लास्ट क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च को आपने पैसा डाला आज सुबह, और रात में आपका पैसा मैच्योर हो गया, अगले दिन गए बोले सर इस पे साल भर का इंटरेस्ट, दोनों भक्का भक भक्का भक मारा जो तू हाँ कि ना डर है? नहीं नहीं ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी चीज है, ये स्टार्टिंग या एंडिंग कब पैसा डाल रहे हो इससे बहुत अलग अलग चीजें हो जाती। देखो फर्क क्या है मेरे को ये तो बताओ, शुरुआत तो यहां से रखते, फर्क क्या है? देखो 10,000 में 3 साल का यहां मिल रहा है, 10,000 का 3 साल का यहां मिल रहा है, ये इक्वल है कि नहीं है? 10,000 में 2 साल का यहां मिल रहा है, उससे ये मैच हो जा रहा है, 10,000 में 1 साल का मिल रहा है, उससे ये मैच हो जा रहा है, ये अमाउंट सेम ही रहेंगे ना, रहे 1 साल का इंटरेस्ट, मतलब रेट सेम है, टाइम सेम है, आके ना, तो इस वाले अमाउंट से ये वाला अमाउंट मैच हो जा रहा है, इस वाले से ये वाला मैच हो जा रहा है, इस वाले से ये वाला मैच हो जा रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा कहां मिलेगा? इस वाले पे 0 है और इस वाले पे 4 साल है, मतलब टोटल जो अमाउंट है उस पे पूरे जो 4 साल है, जो भी टाइम पीरियड है, समझो मेरी बात, जो टोटल टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड उतने पूरे सालों में साल का ज्यादा मिलेगा। हम नहीं मानते सर यार 4 साल है इसलिए 4 है, अगर 10 साल रहे ना तो पहले वाले में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आएगा, और एंड में डालोगे तो क्या आएगा? 9, 8, 7, 6, 5, मतलब 10 का ही डिफरेंस आएगा, मतलब जितने टोटल इयर्स है ना हर साल इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है, समझा? समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी मत समझो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले से करो ठीक है। ये क्या की बात चल रही है? फ्यूचर वैल्यू की, ये फ्यूचर वैल्यू की बात चल रही है ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू की बात चल रही है। नोट, पूरे टाइम पीरियड के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब अगर टाइम पीरियड 4 साल का है तो 4 साल का इंटरेस्ट जाएगा अपना, 4 साल का जा रहा है ना इफेक्टिवली। मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है बंदे उससे, ठीक है, क्यों बता रहा हूं वो भी बता रहा हूं ठीक है। तो सर जो स्टार्ट में पैसा डालते ना, जो आप पैसा स्टार्ट में डालते हो उसको पता है क्या बोलते? इस प्यार को क्या नाम दिया गया? ना ड्यू। और जो एंड में डालते रेगुलर बोलते, दोनों एन्यूटी है झंडू बामो, ए ए झंडू बामो, दोनों की दोनों एन्यूटी है भाई, दोनों एन्यूटी है, दोनों में आप इंस्टॉलमेंट में डाल रहे हो 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ठीक है ना, डिफरेंस क्या है? कब डाल? स्टार्टिंग में, एंड में, और इससे फॉर्मूला बदल जाता है, इससे आंसर बदल जाता है, इससे दुनिया बदल जाती है, इससे जज्बात बदल जाते हैं ठीक है। चलो लिखो भाई, लिखो लिखो, अरे तुम मस्ती की जगह मस्ती करा करो, लिखने की जगह लिखा करो, नहीं तो दो दूंगा तुमको पकड़ के। सचिन झा, सेंड फोन नंबर एंड एड्रेस, सेंडिंग अ व्हाइट कलर रजई फॉर यू। ये संकल्प कमेंट डाला, कोई दोस्त चाहता है टुडे इज बाइटिंग वेदर इन आगरा, तुम्हारा संकल्प कहता है कि व्हाइट रजई भेजते हो बोलते। संकल्प ये क्या आदित्य के लिए भी लिया ना? किधर रजे जी थे तू? सर आप अरविंद भैया को जानते हो? कौन है अरविंद भैया? ऐसे कितने अरविंद होंगे भाई? कौन है अरविंद भैया?
भाई साहब मोटिवेशन और यूपीएससी को पढ़ा था। ठीक है भाई, सूत्रों से जानकारी मिली कोई यूपीएससी को पढ़ाने वाला मोटिवेशनल स्पीकर है, वैसा मैं थोड़ा थोड़ा दिखता हूँ। बातें भी ऐसी है, क्या करें अब। अरे यार बोर हो जाता हूँ यार, ये पिछले बार भी पढ़ा था मैंने सेम, अभी 4 महीने पहले, अब वापस इसको पढ़ाऊंगा अप्रैल में। टिक्का वाला कौन टिक्का लिख लीजिए, ये जरूरी है। हाँ ठीक है, अब सुनो भाई, अब अपने को रेगुलर मतलब क्या होता है, देखो रेगुलर ओए रेगुलर मतलब पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, ठीक है। ड्यू मतलब पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है, ठीक है ना। रेगुलर मतलब पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, और एन्युटी ड्यू मतलब पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1+r⁻⁷ - 1। आना मैंने आपको बोला था टी के जगह एन भी यूज करते बहुत लोग, ठीक है। एन्युटी दो टाइप की होती है, रेगुलर ड्यू, रेगुलर मतलब पेमेंट साल के एंड में, एंड में, एंड में पेमेंट स्टार्ट के एंड में, और ड्यू मतलब पेमेंट स्टार्ट, पेमेंट साल के स्टार्टिंग में, ये एंड पेमेंट, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर। आगे ना किसी को आपत्ति है नहीं। अब देखो एन्युटी है, एक मिनट रुक जाइए, तब तक तुमको लिखना है तो लिख लीजिए। अरे पता नहीं बच्ची की तबीयत खराब, 3 फोन आ रहे हैं। हाँ बोलो। चलो हाँ कहा गया भाई, गोरा वाला भाई कहा गया। हाँ एन्यूटी, ये एन्यूटी की आपको दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है फ्यूचर वैल्यू, दूसरा निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। क्या निकालना है, पहला निकालना है फ्यूचर वैल्यू और दूसरा निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, और ये दोनों मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। हाँ कि ना, कैसे निकालते वो कॉन्सेप्ट रहता सर, हर साल आप पैसे दे रहे हो 10 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, वो क्या था एन्युटी थी, हर साल पैसे दे रहे हो तो, और 10 साल बाद का पैसा का वैल्यू निकालना था, मतलब फ्यूचर वैल्यू था। फिर दूसरा था कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, हर साल आपको रेंट पे करना है, उसका अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था, हाँ कि ना, वो प्रेजेंट वैल्यू था। अब उसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, मतलब इतना जो सारा कराना तेल लेने गया, एक फॉर्मूले से आंसर आ जाए। सर फ्यूचर वैल्यू किस एन्यूटी का, ड्यू की रेगुलर, तो उसको लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, ठीक है। क्या दीदी याद करके आ जाता हो, बीच में बोल देते हो आप रेगुलर, और ये ड्यू एन्यूटी का है, भूलना मत। इसको लिखा जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्यूटी, इसको क्या लिखा जाता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्यूटी इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+r⁻⁴, पी इन ब्रैकेट 1+r⁻ⁿ - 1 अपॉन आर, कैसा ये। और ये पूरा का पूरा क्या है भाई बताओ, ये 1+r⁻ⁿ - 1 अपन ने देखा था क्या, इफेक्टिव रेट, वैसा उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं उसको ऐसे ही याद करवाता हूं, क्या पीई अपॉन आर काम बन जाएगा आपका, पीई अपॉन क्या बनेगा सर, पी क्या है, पी क्या है, प्रिंसिपल,
इसके अंदर प्रिंसिपल नहीं आता एन्युटी में, क्योंकि आप हर साल पैसा दे रहे हो ना। तो पी क्या है? इंस्टॉलमेंट। अबे यार, पी मतलब इंस्टॉलमेंट, जो आप हर साल 10-10,000 रुपए डाल रहे हो ना, वो है। आर क्या है? रेट है। और एन क्या है? टाइम है। समझे क्या? समझे क्या सर? ये जो पी लिखा है ना मैंने, कुछ कुछ लोग इसको ए लिखते हैं, मतलब एनुअल अमाउंट, हर साल जो अमाउंट भर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पी लिखो, ए लिखो, झंडू बाम लिखो, जो लिखना है लिखो। किसी ने झंडू बाम की शीशी लगा दी वहां पे, झंडू बाम इंटू 1+r^n-1/r। वॉट इज झंडू बाम? अमाउंट डिपॉजिटेड एवरी ईयर, उसको अपन क्या बोलते हैं, हर साल जो भरते हैं, इंस्टॉलमेंट है। अपन ने सिंपल लिख दिया, पी मतलब इंस्टॉलमेंट इंटू 1+r^n-1/r। डन है क्या भैया? हाँ कि ना? डन है? तो आप निकालो क्वेश्चन। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड एवरी ईयर, ₹1,000 जिसको हर साल डिपॉजिट करे एट 10% फॉर 5 years। मतलब क्या है? ₹10,000 अपन 5 साल दे रहे हर साल, ठीक है। रेट क्या है? 10%। सर पर बताए भाई तो नहीं है कब दिया, स्टार्टिंग में कि एंड में? अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या मानने का? एंड में दिया, क्योंकि नॉर्मली लोग एंड में ही देते हैं। हाँ, नॉर्मली लोग एंड में देते हैं। जैसे मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं साल की शुरुआत, ओए अरे मत लिखो यार, ये एक नंबर कदई, तुम एक नंबर खत्म लोगो यार, तुम साला बैल के ऐसे लग गए। मैंने कुछ लिखा बैल रहा था, तुतारी मारा, नीचे मुंडी करा, भाग रहा है। क्या कर रहे हो यार? सुन तो लो मेरी पूरी बात। अगर कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे? रेगुलर है, मतलब एंड में दे रहे। अगर लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब ड्यू है, आज से शुरू करता हूं, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, अभी के अभी ड्यू। क्यों? रेगुलर मतलब नॉर्मल जो होता है। और नॉर्मली अगर मेरे को कहीं पैसा भी इन्वेस्ट करना है, मैं चाहता हूं अपनी बीवी को थोड़े टाइम के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 करोड़ का, 1,000 करोड़ का, 10 लाख का, 5 लाख का, जो भी देना है उतने पैसे जमा करने, हर साल में थोड़े थोड़े पैसे डाल रहा हूं, या हर साल में थोड़े थोड़े पैसे डाल रहा हूं, बताओ मेरी बीवी के पास मेरी मौत तक कितने पैसे रहेंगे? फ्यूचर वैल्यू हो गए, हाँ कि ना? तो मैं साल शुरू होते से डाल दूंगा क्या? नहीं, पूरा साल भर धंधा करूंगा बैठ के, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो डालूंगा। कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है साल के लास्ट में करता है, नॉट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्यूचर वैल्यू होता है ₹1,000 5 साल के, तो क्या करेंगे अपन? मैं आपको कैलकुलेटर से कैसे करना है वो बता दो। ये ₹1,000 आप हर साल डाल रहे हो, तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट, हाँ कि ना? ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। अब क्या करेंगे? ये पी से मल्टीप्लाई कर दूं पहले? नहीं, पहले क्या करते, इसका वैल्यू निकालेंगे। 1 + r कितना है? 10% इंटू पावर 5, मतलब इसी वस्तु कितने बार? 4 बार आया ना, 1, 2, 3, 4 - 1। ये पूरी चीज का वैल्यू निकल गया। अब कुछ कुछ लोग इसको पी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू कितना? 1,000 डिवाइडेड बाय आर कितना है? 10, और परसेंटेज का भी बटन दबाओ, ठीक है। कितना वैल्यू आएगा? ₹6,105 आइए क्या? आपने भी यही तो निकाला था? नहीं, आपने कुछ और निकाला था, जो भी निकाला था बराबर क्या ऐसी है, ये आंसर है क्या? सर हम निकाल के देखते हैं। मैंने बोला क्यों आप बात कर, निकालेंगे ना सर, निकालेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर डाल रहे, रेगुलर है ना?
एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ईयर वन दो तीन चार पांच साल कितना डाल रहे, 1000 1000 1000 1000 1000 हाँ कि ना। ये क्या हो गया उसकी, ये अमाउंट हो गया या प्रेजेंट वैल्यू हो गई इसकी। अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, कल मैंने यही तो करवाया, सारी फ्यूचर वैल्यू का टोटल मारे थे अपन ने। तो क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+10% की पावर एन, ठीक है, या कितना आएगा साल के लास्ट में डाला, 4 साल का बह जाएगा। अबे हाउस में नहीं, 4 साल का बह जाएगा 1000, 1+10% 3 साल का 1000, 1+10% 2 साल का 1000, 1+10% 1 साल का। और ये 1000 रुपए की वैल्यू 1000 रुपए ही रहेंगी, क्योंकि साल के लास्ट में डाले हैं और अगले दिन सुबह वापस मांगने आ गए, हाँ कि ना। ये 1000 ये अपन ने कैलकुलेट करा था क्या, कल अपन ने करा था क्या, क्या करे थे अपन ने, बोल किया था ना। अबे ओ उधर मत दे, ये 1000 रुपए हर जगह इसको ऐड करना है, कॉमन ले लिया हाँ कि ना, 1+10% ये सबको ऐड करना है इफेक्टिवली, 1, 2, 3, 4 को। तो मैंने सबको ऐड कर दिया और बाद में 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1+10% एम प्लस वापस इज इक्वल टू, अरे बोलो 1+10% इंटू, पहले एम प्लस में ऐड कर दू क्या, 1+10%, अबे यार 1+10% ये 1.1 हो गया। तो ये वाला एम प्लस में ऐड कर दिया मैंने पहला वाला, फिर इंटू इज इक्वल टू दबाया का स्क्वायर आ गया, एम प्लस में ऐड कर दिया, फिर इज इक्वल टू दबाया एम प्लस में ऐड कर दिया, इज इक्वल टू दबाया एम प्लस में ऐड कर दिया एम आर सी, ये सब ठीक है। कितना आया उसका 5.1051 इंटू 1000। तो ये चारों जो चीजें हैं इनकी फ्यूचर वैल्यू आ रही 5105.10, और उसमें ये 1000 भी ऐड कर दूंगा, कितना हो गया 6105.10 आया क्या, आपका भी वही आंसर आया था। ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, और ये फॉर्मूला है जो मैंने आज आपको रटवाया, दोनों का कंसेप्ट सेम है। सर ये फॉर्मूला कहां से पैदा हुआ, यहां से, कैसे हमको बता दे क्या, तुम्हारी अवकाश के भाग के बुद्ध भाग तुम ये समझ लो काफी है, ठीक है। ये मैंने कल बताया भाई, आज मैं जब वापस तुमको करवा रहा था तो तुम्हारा मुंह एलियन जैसा था, ये बोलता है हाँ सर करवाया, और फिर उसने क्या करा मालूम है, पढ़ने पढ़ डाला। नहीं 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 भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, ओके डन है। ये अपनी बात थी रेगुलर की। अब ड्यू में क्या हो, ड्यू में क्या होगा मैं बता दूं, इधर 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 ड्यू में क्या होता है, ये देखो रेगुलर में अपन ने यही करा, ड्यू में 14 साल जो है उसका इंटरेस्ट 1 साल का ज्यादा लगेगा, हाँ कि ना। तो याद रखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, ठीक है, इन ब्रैकेट 1+R। पूरा का पूरा जो पैसा है ना उसको 1 साल के लिए ज्यादा डाल दो, अरे पूरे पैसों पे 1 साल का ज्यादा ब्याज मिलेगा ना, तो पूरे अमाउंट पे 10% ऐड कर दो, खत्म है। तो अगर आपको यह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम क्वेश्चन, 1000 एट 10% पर 5 ईयर्स बट स्टार्टिंग टूडे, आज से है, सेम क्वेश्चन है पूरा, बट उसमें क्या लिखा है स्टार्टिंग टूडे, अब भी डाल रहा हूं मैं 1000, तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर इन ब्रैकेट 1+R, तो कितना आ जाएगा 6105 इन ब्रैकेट 1+ कितना परसेंट है 10%, 6105
इंटू 1.10 6715। क्या ज्यादा का करना है, ये 1 प्लस आर एडिशनल है, ठीक है। अब ये गरीब लोग करते हैं, ऐसा अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे मालूम है क्या, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालना है, तो निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। जैसे अपन ने ये 6105 निकाले भाई, और उसको 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई नहीं करते बैठेंगे, 6105 करो कैलकुलेट बेटाई प्लस, बेसिकली अपने को पूरे के पूरे पैसों पे चार साल का बैच कब मिल रहा है ना, तो इस पे एक बार 10% ऐड करो, हो गया क्या। तो इफेक्टिवली वही करा अपन जो फॉर्मूला, तो यहां लिखा तो ऐसे जाता है फॉर्मूले में कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इनटू 1 प्लस आर, बट अपन क्या करते, अपन करते फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर प्लस आर परसेंटेज, खत्म। ये बात ध्यान में रखना, और ये मैंने आपको नोट में लिखा है, अभी जो ये रिविजन नोट आपको मिलेंगी, क्या है देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इनटू 1 प्लस आर, यहां लिखा है 1 प्लस आर परसेंटेज, पीसी नोट कैलकुलेट एफआईआर फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर प्लस आर इन परसेंटेज कर दो। ये दो फॉर्मूले, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर, फिर यह आ जाएगा रेगुलर इंटू इंटू 1 प्लस आर की पावर। समझे क्या बात, समझे क्या। If nothing is said in the question, क्या मानते हैं उसको, रेगुलर मानते हैं। मैंने बताया भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे आती, जो पूरा पैसा है ये यही तो निकाला आपने, क्या आपने यही करा है क्या, जो 10,000 मिल रहे 1 प्लस 10% की पावर 1, 1 प्लस 10% की पावर 2, 1 प्लस 10% की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही करा है ना अपने, वो 1 अपॉन 1.1 इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस, पूजा दीदी वही कराए पक्का, समझ रहा है कि दिल के ऊपर जा रहा है, अब चले जाएंगे ऊपर। तो दो फॉर्मूले करवा दिए मैंने, बड़े सिंपल से फॉर्मूले, अब दो फॉर्मूले आप कल कर लूंगा, कल करवा दूंगा मैं, आप मत करो, ठीक है। एक ईमानदारी से क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन पूछता उसका जवाब दे दो। कितने बच्चों ने कल पढ़ा था यार, घर जाके मैंने जो पढ़ाया, लेक्चर वापस देखा था, कैसे हो सकता है। अबे तो झंडू मेरे को मैसेज करने का, मैंने बोला था तो भी, तो ये आज का है। अभी ये दो फॉर्मूले, अभी देख क्या बचा है अपना, कहा गई भाई बुक, बुक तो बाप रे, बोले बुक शो के लिए है, नहीं नहीं बुक शो के लिए नहीं है, बुक्स बाद में पढ़ेंगे, ये एनुटी पूरा एकदम भाषण है पूरा, ये ठीक है लंबा चौड़ा, ये फ्यूचर वैल्यू है एनुटी रेगुलर, इसके क्वेश्चन है, ये कल करेंगे अपन बैठ के, ठीक है। तो आज बेसिकली अभी तक है ना, मैं तुमको क्या क्या पढ़ाया मालूम है क्या, पिछले दो लेक्चर के अंदर मैंने तुमको कुछ नहीं पढ़ाया भाई, कल पढ़ाऊंगा मैं। ये दो लेक्चर में मैंने तुमको बस एक्वेंटेंट बनाया, मतलब जान पहचान करवाई कि भैया प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऐसा रहता, एनुटी ऐसा दिखता, काई को एक लेक्चर के अंदर है ना, ये चार जो फॉर्मूले है ना, ये वाले इतना ही है भाई, इतना ही है एनुटी, ये चार फॉर्मूले अगर आपने रट लिए तो आपका काम बन गया, ठीक है। फिर कंफ्यूजन कहा होती मालूम है क्या, सर समझ में ही नहीं आया प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है कि फ्यूचर वैल्यू का, सर समझ में ही नहीं आया कि नॉर्मल वाला पीवी का क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का है कि एन्युटी वाला क्वेश्चन रहता, एन्युटी का बच्चा का नहीं क्वेश्चन रहता, सादा नॉर्मल वाला जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाते काई को, वही चार फॉर्मूला रहते हुए लॉजिक तेल लेने गया, फिर इंटर में गए बैठे बोमल, इंटर में गए तो भैया वो बोलते बैठ आते ही नहीं है फैमिली फाउंडेशन क्लियर करने के लिए कल
कल पूरा दबा दब बैठ के रटवा दूंगा और फिर ये क्वेश्चन करेंगे, ये सारा अपन ने कर रखा है, ठीक है, सारा अपन ने कर रखा है। तो कल बेसिकली मेरा पढ़ाने का कुछ ज्यादा खास काम है नहीं, और फिर हो चुका है चैप्टर, बस एक चीज बची है, ये सारा आपने कर चुके हो, ये एनपीवी निकालना, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये फाइनल का है, इंटर का है, ये बॉन्ड की वैल्यूएशन, ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया अपन ने, कैश इनफ्लो अगर आउटफ्लो से ज्यादा है तो इन्वेस्ट करो, नहीं है तो मत करो। जैसे मैंने तनिष का एग्जाम्पल दिया था, इनफ्लो कितना था मेरा 5,42,000, आउटफ्लो कितना था मेरा 7,00,000, तो इन्वेस्ट इनफ्लो ज्यादा है, नहीं इनफ्लो था, आने वाला कितना था मेरा, आने वाला कितना, इनफ्लो ज्यादा है, आ ज्यादा रहा है आउटफ्लो से, हाँ इन्वेस्ट करो, आ कितना रहा था मेरा, तनिष्क कितना दे रहा, 5,42,000, हाँ बराबर है, इनफ्लो कम है ना आउटफ्लो से, तो क्या इन्वेस्ट मत करो, हो जाता कभी कभी ये लीज पे लू की ना लू, ये लीज पे लू की ना लू, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मतलब मैं तो इनको अभी पढ़ाता भी नहीं अलग से, क्योंकि वैल्यू ऑफ ट्रू यार, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पूरा याद है। अभी मैंने तुमको लीजिंग पढ़ाया क्या, नहीं भाई, मैंने तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालने का एक और कॉन्सेप्ट करवाया था, एक और क्वेश्चन जिसमें लीज डाल दिया था मैंने। अब ये चीजें बैठ के रट्टा मारने की जरूरत है क्या, कि अगर कॉस्ट ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल से तो भैया लीज पे लो, और कॉस्ट कम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल से तो खरीद लो, ये रटवाओगे आपको बैठ के, कॉमन सेंस है। फिर ये एन्यूटी हो चुका है, एक सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट हो गया ऑलमोस्ट, मतलब अभी सारे कॉन्सेप्ट है ना सब हो गया, अभी मेरे को आपको बैठ बैठ के एक एक चीज है ना एप्लीकेशन करना है, मतलब अपन ने भी पूरा ब्रॉडर ओवरव्यू देख लिया, दो लेक्चर वेस्ट हुए मेरे, पर हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो वेस्ट है, तुम्हारे हिसाब से ठीक है, पर अब कल जो तुम्हारे को बोलूंगा ना सीधा दिमाग के अंदर जाएगा, उस बच्चे के जिसने पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा हो तो फिर गई वैसे पानी के। आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं बच्चा वाड़ी।